हेलो एवरीवन, दिस इज़ रेखा मैम। वेलकम यू ऑल इन आवर साइंस क्लास। टुडे आई विल टीच यू अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। द सेकेंड चैप्टर ऑफ क्लास 8, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड एंड फो। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, लेट्स सी व्हाट आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? दीज आर द स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, दोज कांट बी सीन विथ नेकेड आइज, जिनको हम सिंपल अपनी नॉर्मल आँखों से नहीं देख सकते हैं। इतने छोटे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको देखने के लिए वी नीड एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ नोन एज माइक्रोस्कोप, जस्ट लाइक द फिगर यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, राइट हैंड साइड अबव ऑन द स्क्रीन। दिस इज़ द माइक्रोस्कोप एंड अंडर विच वी कैन ऑब्जर्व द ऑर्गेनिज्म, द स्मॉल टाइनी ऑर्गेनिजम्स, एंड दीज ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट आर द मेन ग्रुप्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन विच वी कैन डिवाइड देम। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू मेजर 5 ग्रुप्स। दीज आर द बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, फंगी एंड एल्गी। सो मेनली वी कैन डिवाइड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू 5 सब पार्ट्स, फॉर एग्जांपल द बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी एंड एल्गी। So let's move ahead and discuss about individual part of the microorganism. First is the bacteria. Bacteria are very small single cell microorganisms which have cell wall. Cell wall, what do you mean by cell wall? As I have told you in your class, cell membrane, the cell jo bhi koi organism hai uski structure and basic jo यूनिट होती है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कैन सर्वाइव इंडिविजुअली इज नोन एज सेल। और सेल की जो आउटर बाउंड्री होती है उसे हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी अगर एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव कोई लेयर होती है दैट इज़ नोन एज सेल वॉल। तो बैक्टीरियाज के अंदर सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, दैट्स वाई उनकी सेल मेम्ब्रेन इज़ ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाय एन एक्स्ट्रा आउटर कवरिंग दैट इज़ नोन एज सेल वॉल, ठीक है। एंड उसके अंदर ही न्यूक्लियस और अदर स्ट्रक्चर जो हैं वो फिल होते हैं। बैक्टीरिया जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलती हैं और दीज फाउंड एवरीवेयर, जस्ट लाइक एयर, सॉयल एंड वाटर। कोई भी सरफेस आपके आसपास है वहाँ बैक्टीरिया जरूर मिलती हैं। एंड एज यूजली वी कांट सी देम विद नेकेड आइज, वी हैव टू सी, वी हैव टू टेक माइक्रोस्कोप टू सी और टू ऑब्जर्व द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया। सो बैक्टीरिया के बारे में अगर हम बात करें, कुछ टाइप की बैक्टीरिया जो होती हैं वो आपको राउंड शेप में मिल सकती हैं। तो शेप के अकॉर्डिंग अगर हम इनको डिवाइड करें तो 3 टाइप की बैक्टीरियाज हमारे ऑल अराउंड प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट जो बिल्कुल राउंड बोल जैसी होती हैं, दीज आर नोन एज स्फेरिकल बैक्टीरिया। कुछ जो आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, फिगर नंबर 1, रोड जैसी है, थोड़ी सी एलोंगेटेड होती हैं, दीज आर नोन एज रोड शेप्ड बैक्टीरिया। एंड स्पायरल, जैसे आप यहाँ नीचे वायरस के अपर पार्ट को देख रहे हैं, इट इज़ जस्ट लाइक अ स्पायरल, दैट इज़ इसी तरह से बैक्टीरिया की भी शेप होती है जो कोमा शेप में होती है, या हम बात करें एक स्प्रिंग की फॉर्म में होती है। दी सच टाइप ऑफ बैक्टीरिया आर नोन एज स्पायरल बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया हमारे लिए यूज़फुल भी हो सकती हैं, कुछ टाइप की बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल भी होती हैं। दे कैन कॉज डिजीज इन अस, इन एनिमल्स, प्लांट्स एंड एज वेल एज ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ अगर हम यूज़फुल बैक्टीरिया की बात करें, फॉर एग्जाम्पल लैक्टोबेसिलस, लैक्टोबेसिलस बैक्टीरिया जो आपके कर्ड में प्रेजेंट होती हैं दैट इज़ यूज़फुल फॉर यू। वेर एज द राइजोबियम बैक्टीरिया दैट प्रोवाइड नाइट्रोजन टू द प्लांट आर नोन एज राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। और अगर हम बात करें व्हाट आर द हार्मफुल डिजीजेज दैट कैन बैक्टीरिया कोज इन ह्यूमन बींग एंड इन अदर एनिमल्स, दीज आर द कॉलरा, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस जिसे हम टीबी के नाम से भी जानते हैं, डिप्थीरिया, वोपिंग कफ एंड फूड पॉइजनिंग। दीज आर सम ऑफ द कॉमन डिजीजेज, एंड अदर देन दीज there are so many diseases can be caused by bacterias. And next let's move towards the viruses. Viruses are also the smallest microorganism which can dwell only inside the cells of the host organism. Either
they can be survive in animals, plants or in bacterias also. तो virus bacteria के अंदर भी survive कर सकते हैं, animals और plants दोनों में ही survive कर सकते हैं. और इनकी एक specialty है कि virus जो है सिर्फ और सिर्फ living being के अंदर रहकर ही reproduction कर सकते हैं. they can behave like a living organism only and only inside the living organism. अगर outside the living organism ये present हैं तो वो ना तो respiration करते हैं, ना feed करते हैं, excretion, movement कुछ भी नहीं कर सकते हैं. but inside the living organism they can reproduce and the speed up, बहुत ज़्यादा speedly ये multiply कर सकते हैं whenever they get the living host. और viruses जो होते हैं these are the disease causing agents and here are some diseases that can caused by the viruses. here are some common diseases those we have to discuss about the viruses. that is virus can cause a common cold, influenza, measles, polio, chickenpox, smallpox और बहुत सारे other diseases also caused by virus. for example एड्स हम जो बात कर रहे हैं, बहुत आप लोगों ने सुना होगा ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है जो एचआईवी वायरस की वजह से फैलता है, जिसे बॉडी को बीमारी तो कोई नहीं है लेकिन वो बीमारी से लड़ने की जो डिफेंस पावर ऑफ द बॉडी है उसी के ऊपर अटैक करता है, उसी को डिफेट कर देता है. दैट इज़ हमारी खुद की इम्यूनिटी जो है, दैट इज़ अ पावर टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्टियस एजेंट्स, उस पावर को रिड्यूस कर देता है जिससे कोई भी इन्फेक्शन जो है वो बॉडी में बहुत जल्दी फैल जाता है और वो बॉडी उस पर्टिकुलर इन्फेक्शन के लिए ससेप्टिबल हो जाती है. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स अ प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ आर ग्रुप ऑफ सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर क्लासिफाइड एज एनिमल्स. तो प्रोटोजोआ एनिमल कैटेगरी में ही काउंट किए जाते हैं बट सिंगल सेल होते हैं. एक सिंगल सेल भी अपने आप में एक लिविंग बींग की तरह सर्वाइव करता है. और एनिमल क्यों, एनिमल की कैटेगरी में हम इसको क्यों डालते हैं, जस्ट बिकॉज कि जो प्रोटोजोआ सेल होती है ना उनके बाहर एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होती है. एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर दैट आई हैव कॉल्ड द सेल वॉल दैट प्रोटेक्ट द सेल मेम्ब्रेन. तो प्रोटोजोआ में कोई भी सेल वॉल नहीं होती है, दैट्स वाई वी काउंट दैम एज एनिमल्स. तो प्रोटोजोआ एनिमल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो आपके पोंड में, लेक वाटर में, जो भी गंदा पानी है, ड्रेनेज वगैरह है, रिवर है, सी वाटर है, डैम सॉयल वगैरह जो कीचड़ वीचड़ का पानी है उसके अंदर ये गंदे पानी में प्रेजेंट रहती हैं. एंड देर आर सम एग्जांपल्स ऑफ प्रोटोजोआ, फॉर एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम, एंटामेबा, प्लाज्मोडियम. ये ऐसे प्रोटोजोआ हैं जो कॉमनली ह्यूमन बॉडी के अंदर, एनिमल्स के अंदर बीमारियाँ फैलाते हैं. प्लाज्मोडियम के बारे में आपने सुना होगा, प्लाज्मोडियम जो मलेरिया कोज करता है इज़ ऑल्सो अ प्रोटोजोआ. ओके, तो इस तरह की एंटामीबा हिस्टोलिका जो है इज़ अ प्रोटोजोआ विच कोज डिजीज नोन एज अमीबिक डिसेंट्री. जो पेट में बहुत ज़्यादा अगर हम अनहाइजीनिक वाटर अगर हम पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ द अमीबिक डिसेंट्री. वो प्रेजेंस ऑफ अमीबा इन दैट डर्टी वाटर की वजह से बॉडी के अंदर स्टमक एक होना स्टार्ट हो जाता है. नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स द एल्गी. एल्गी इज़ अ लार्ज ग्रुप ऑफ सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स. तो एल्गी जो है दीज आर काउंटेड इन प्लांट सेल्स. तो इनको हम प्लांट्स में काउंट करते हैं, रीजन बिहाइंड क्योंकि इनकी बॉडी के जो सेल मेम्ब्रेन है, इनकी जो सेल्स हैं उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है इज़ ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाय द एक्स्ट्रा कवरिंग दैट इज़ नोन एज सेल वॉल. And also they have chlorophyll in them. They also can do photosynthesis just like the plants. That's why we count algae as plant-like organisms. Okay, and there are some example of algae. First is the Chlamydomonas, Spirogyra, blue-green algae. तो ये जो है, these are some example of algae. और जैसे अगर मैं आपको बताऊं ब्लू ग्रीन एल्गी, आप सब इससे बहुत ज़्यादा फैमिलियर हैं. जो पानी डंप एरिया के आसपास जो काई लगी हुई आप लोगों ने देखी है, पॉन्ड्स वगैरह में काई लगी हुई देखी है, दैट इज़ द ब्लू ग्रीन एल्गी जो अपना फूड खुद से बनाती हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल.
एंड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और ये ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, इतनी ज़्यादा स्पेसिफिक होती हैं कि ये नाइट्रोजन को भी फिक्स कर सकती हैं, दैट इज़ दे कैन चेंज नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट टू विच द प्लांट्स ईजिली एब्जॉर्ब, और वो अपने नाइट्रोजन की डिफिशियंसी को भी ईजिली फुलफिल कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट कम टू आर द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ द फंगी। फंगी इज़ अ लार्ज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। अब फंगी जो है वो प्लांट की कैटेगरी में नहीं आता है, लेकिन उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है इज़ ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाय द आउटर कवरिंग, दैट इज़ द सेल वॉल, बट दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल इन दैम। दैट्स वाई विदाउट क्लोरोफिल दे विल नॉट बी एबल टू डू फोटोसिंथेसिस, वो अपना फूड खुद से नहीं बना सकते हैं। एंड देर आर सम एग्जाम्पल ऑफ फंगी, दिस आर द यीस्ट, मोल्ड, मशरूम, ठीक है। और आप लोगों ने सुना होगा मशरूम, मशरूम की तो सब्जी भी सबके घर में बनती है। यस डेफिनेटली सम टाइप ऑफ फंगी आर एडिबल, वेर एज सम आर पॉइजनस फॉर ह्यूमन बींग एंड अदर एनिमल्स। दैट्स वाई कुछ ही कैटेगरी हैं जो एडिबल होती हैं। और हम बात करें, फर्स्ट जो फिगर आप देख रहे हैं, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द फंगी, दैट इज़ अ यीस्ट। यीस्ट जो है आपकी ब्रेड और पाव और केक, पिज़्ज़ा वगैरह बनाने में हेल्प करती है। जो पिज़्ज़ा बेस होते हैं उसको स्पंजी बनाती है, केक को स्पंजी बनाने में, ब्रेड को स्पंजी बनाने में जो हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ द यीस्ट, ठीक है, जो आपके डो को बहुत ज़्यादा फ्लफी बना देता है, ठीक है। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन को हम खा नहीं सकते हैं, लेकिन एज अ फूड यूज़ नहीं करते हैं, बट पेनिसिलिन इज़ ऑल्सो अ वेरी यूजफुल फंगी दैट कैन क्योर आर स्किन इन्फेक्शन। बहुत सारी दूसरी जो फंगी हैं उनकी इन्फेक्शन को जो पेनिसिलिन है वो किल कर सकती हैं। दैट्स वाई दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कैन किल द अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दैट्स वाई दे आर यूज टू यूज एज अ एंटी बायोटिक्स, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स की तरह आप बहुत सारी फंगी को यूज़ भी करते हैं। तो पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, दीज आर सच एग्जाम्पल ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंड सम ऑफ द ह्यूमन डिजीज कॉज बाय फंगी आर रिंगवॉर्म एंड एथलीट्स फिट। तो जहाँ ये हमारे लिए यूज़फुल है वहाँ ये हमारे लिए बहुत सारे डिजीज़ भी कॉज करती हैं, जिसमें कुछ एग्जांपल हैं रिंगवॉर्म, जैसे दाद हो जाते हैं ना स्किन पे, राउंड राउंड से पैचेस बन जाते हैं रेड कलर के, बहुत ज़्यादा खारिश होती है, दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द फंगल इन्फेक्शन, ओके। एथलीट्स फिट, एथलीट्स फिट आप नाम से ही इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, एथलीट्स जो रनर्स होते हैं वो मोस्ट ऑफन जो है वो बेयर फिटेड रहते हैं, और उनके पैरों में सोयल की वजह से, सोयल में जो फंगस फंगस होता है उनके पैरों की उंगली में ऐसे फंगस अगर हो जाते हैं ना तो पैर स्वेल अप हो जाते हैं, जस्ट लाइक द एलिफेंट लाइक फिट हो जाते हैं, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज एलिफेंटिसिस जस्ट बिकॉज ऑफ द फंगल इन्फेक्शन। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे, होप यू ऑल कैन अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल द टाइप्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फॉर नेक्स्ट टॉपिक, wait for my next video. Till then, goodbye everyone.